अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब है ना, ठीक है, साइन टेन इनवर्स एक्स को 1 + x^8 ds, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग सोचो टेन इनवर्स जिसे हम लोग पुट कर लेंगे, पुट टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 = t, ठीक है। तो जैसे इसको t पुट कर लिए तो हमारा जब डिफरेंशिएटिंग दोनों साइड से करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 + x^2, ये होता है। लेकिन अब देखो यहाँ x की जगह क्या हुआ, 4 है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 को पहले नीचे x की पावर 4 आएगा, ठीक है, चेन रूल। चेन रूल पता है ना तुमको? यस सर, पता है। उसके बाद ये फिर से x की पावर 4 जाएगा, सर, बटे dx, समझ में आ रहा? और इधर क्या आ जाएगा, dt बटे dx, dx, समझ में आ गया? तो अब ये सब लोग x है हमारा, तो ये क्या होगा, 1 + जो भी x का हम इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4x3 होगा, क्योंकि हमको पता है x की पावर अगर n हो तो क्या जाता है हमारा -1 dt/dx। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x³/1 ये x की पावर 8 हो जाएगा। यस सर, हां सर, हां इनपुट dx बराबर dt/4 लिख सकते हैं। यस सर, ये इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा? हाँ सर। तो अब ये जो चीज है ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है x की पावर 3 और 1 + x की पावर ये dx, तो हम ये i जो चेंज करेगा ये तो इसके जगह में dt लिखेंगे। हाँ सर, dt/4 चार बाहर कर देते हैं ना, dt/4 आ गया। हाँ सर, और ये समझ में आ गया, यहाँ पर हो जाएगा साइन टी, समझ में बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया 1/4 साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। तो -1/4 कॉस ऑफ कॉस रहने दो, और टी के जगह में जो मान गया ठीक टैन इनवर्स माइनस30 कितना नंबर का क्वेश्चन, ये 37 है, तो समझ गया। हां 37 का क्या आंसर, यही है -1/4, ठीक है, समझ में आया क्या? हां सर, ठीक है, इसको फिर कर लो तुम लोग, ठीक है सर। उसके बाद हम फॉर्मूला का करते हैं।